हेलो फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि SBI के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आ जाओ। तो SBI की जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके ऊपर डिटेल वीडियो आ चुकी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। तो फर्स्ट इसमें क्या रहने वाला है आपका, इसमें पोस्ट जो है हर स्टेट की है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है। मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। आप एक बार में केवल एक ही राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे अगर आप सोच रहे हैं गुजरात में भी दे दें, आंध्र प्रदेश में भी दे दें, कर्नाटक में, तो ये नहीं पॉसिबल है। आप एक स्टेट से एक ही वैकेंसी इसमें भरी जाएगी, यानी कि ऐसी बात नहीं है एक पर्सन एक स्टेट में एक ही वैकेंसी भरेगा कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम ये रहा। इसमें से किसी भी वेबसाइट को यूज़ करके ये फॉर्म को भर सकते हैं, ओके। वो फॉर्म आप केवल SBI की वेबसाइट से ही भरेंगे। फर्स्ट यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्टेट गुजरात में गुजराती लैंग्वेज कितनी वैकेंसीज है, 291 PWD कैंडिडेट्स के लिए भी है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे 390 है, कर्नाटका में 175 है, छत्तीसगढ़ में 99 है, मध्य प्रदेश में 298 है, उड़ीसा में 205 है, UT लद्दाख में 10 है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 200 है, चंडीगढ़ में 25 है, पंजाब में 365 है, जम्मू कश्मीर में 100 है, हरियाणा में 150 है, UT पुंडीचेरी में 26 है, तमिलनाडु में यहाँ पे 648। ओह माय गॉड, तमिल में सबसे ज़्यादा है इस टाइम। आगे का देखते हैं इससे भी कोई बड़ा राजा मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में 20 है, नागालैंड में 21 है, मेघालय में 31 है, त्रिपुरा में 22 है, असम में 121 है, मणिपुर में 17 है, तेलंगाना में 20 है, राजस्थान में 125 है, अंडमान वेस्ट बंगाल में 125। ओ इससे भी बड़ी मछली, ठीक है देखते हैं आगे इससे बड़ी मछली मिलती है। तो अब बात करें UT अंडमान एंड निकोबार में 328 है, सिक्किम में 8 है, उत्तर प्रदेश, ओ शिट, मुझे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी आस थी कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होगा, बट उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है जीतेगा कौन, गेस व्हाट, आई थिंक मे बी वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 412 हो जाती है। गोवा की बात करें तो गोवा में आपकी 26 हो जाती है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 125 है। बिहार की बात की जाए तो 50, बिहार में तो होती कम से कम। झारखंड में 27 है, केरला में यहाँ पे 424 है। टोटल बात करें तो बहुत सारी 6160 है। तो हर स्टेट से ऑल इंडिया से भर दो फॉर्म, किसी का तो लगेगा। रिजर्वेशन वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। टोटल सीट यहाँ पे अलग से दे रखी है, फिर मतलब स्टेट के अंदर कितनी है ये भी दे रखी है। मम्मी, जैसे गुजरात के अंदर अहमदाबाद में 60 है, अमरेली में 9 है। इतना डिटेल PDF भाई साहब, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ओके। चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एज कितनी रहने वाली है, तो एज आपकी 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए। 1 अगस्त के बेस पे बीस से 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 1 अगस्त के बेस पे आपकी एज को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। बस ग्रेजुएशन चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का रहेगा। बेनिफिट आपको बहुत सारे मिलने वाले, वो तो आप सोचो ही मत। रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि ऑनलाइन होगा, मैंने आपको बताया था, और लोकल लैंग्वेज में होगा। तो 4 पार्ट में आपका पेपर होने वाला है। 25-25 आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। 25-25 नंबर के होंगे, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। आपको इंग्लिश मीडियम में टेस्ट देना होगा। टोटल आपको 60 मिनट मिलेगा, हर पार्ट में आपको 15 मिनट मिलेगा। लिस्ट ऑफ मीडियम अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर, यानी कि यहाँ पे ये दे रखा है किस स्टेट में किस लैंग्वेज में हो सकता है पेपर। तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई मेरी। जैसे कि हर स्टेट में हिंदी और इंग्लिश तो हर स्टेट में अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, प्लस वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी प्लस है इसमें। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा, तो और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ अभी ऐसा छोड़ा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी आपको, सब तो मैंने बता ही दिया। आई थिंक एवरीथिंग आई विल गेट यू ऑल द नॉलेज अबाउट द एप्लीकेशन फीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। चलो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के 300 रुपये बाकी है, इधर की मौज है। नॉन रिफंडेबल फीस होने वाली है।
तो थोड़ा सा सोच लेना, पर अप्लाई कर दो, बहुत अच्छी जॉब है ये तो। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट भी आपका यहाँ पे होगा। ओके, अब हम कुछ नया देखने वाले थे, अगर कुछ नया मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को ख़त्म करना पड़ेगा ना मुझे। नॉट, मैं अभी ये पीडीएफ ना आपके साथ ही पढ़ रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने पीडीएफ की पहले से कोई तैयारी नहीं की है। इनफैक्ट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तैयारी करती ही नहीं हूँ, इसलिए कोई गलती हो तो सॉरी। आई थिंक आई विल गेट यू ऑल द नॉलेज। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ से, बहुत मेहनत लगी पीडीएफ डाउनलोड करने में। ओके,